रॉनी नाम का एक लड़का होता है जिसका हाल ही में एक नए कॉलेज में एडमिशन होता है। तभी उसकी दीदी का कॉल आता है। उसकी दीदी बोलती है कि वहाँ जाकर नए नए दोस्त बनाना और अपनी उस पुरानी किताब को कभी हाथ मत लगाना। वो उसे बहुत समझाती है और फिर वो अगले दिन उसका कॉलेज का दिन होता है। वो डरते डरते कॉलेज जा रहा होता है। वो सोचता है कहीं रैगिंग ना हो जाए। उसे एक लड़की सामने दिखाई देती है। वो उससे उसका नाम पूछती है और फिर दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों कॉलेज में एक साथ ही रहने लगते हैं। रॉनी किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाता क्योंकि उसे अब ज़रूरत नहीं थी। वो उस लड़की के ही साथ घूमता रहता था। वो लड़की उसे एक दिन बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो रॉनी बोलता है कि मजाक मत करो। तब वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मजाक क्यों लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, कल मैं कैंटीन में तुम्हें प्रपोज़ करूँगी। तभी अगले दिन वो कैंटीन में सब लोगों के सामने उसे प्रपोज़ करने लगती है और वहीं टेबल पर रखा हुआ एक गुलाब का फूल उसे दे देती है। ये देखकर रॉनी हैरान हो जाता है और फिर वो लड़की बोलती है कि अब मैं इसे किस करने जा रही हूँ, और वो मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो लड़की उसको एक कुत्ते को उठा के किस करवा देती है और फिर उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कुत्ते को उसने किस कर दिया और सभी लोग वहाँ खड़े हंस रहे होते हैं। उसे बहुत बुरा लगने लगता है, लोग उस पर हंस रहे होते हैं। वो गुस्से में अपने घर चला जाता है और बहुत गुस्सा होने लगता है। तभी वो अपनी उस काली किताब को निकाल लेता है और काली किताब से जादू करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की का बर्थडे होता है और लड़की बर्थडे बना रही होती है। तभी वहाँ पर एक खिड़की के बाहर से हाथ दिखाई दे रहा होता है। उन लोगों को लगता है कोई मजाक कर रहा है। वो लोग उस हाथ को टालने लगते हैं। तभी वो हाथ टूटकर उसके हाथ में आ जाता है और वो हाथ में खून लगा हुआ होता है। वो लोग उसे देख कर डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी गेट पर एक भूत आकर खड़ा हो जाता है जिसका हाथ वही था, उसका एक हाथ टूटा हुआ था। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और वो भूत उस लड़के को बाल पकड़कर उठा लेता है और बोलता है कि हैप्पी बर्थडे, और उसका बाल पकड़कर घसीटते हुए उसे अंदर लेकर जाता है और चाकू से उसके गले में वार कर देता है। और फिर वो भूत तभी कुछ जादू करके वहाँ से चमगादड़ों की फ़ौज को बुला लेता है और उस लाश को चमगादड़ों की फ़ौज के हवाले कर देता है। वो लोग उसे तुरंत खा लेते हैं। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। दो दोस्त कार में बैठ जाते हैं और उस लड़की से बोलते हैं कि तुमने उसके साथ ऐसा मजाक किया था, अब तुम ही झेलो, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो भूत जैसे तैसे करके वो लड़की अपने घर पहुंच जाती है और फिर वो भूत उस लड़की के घर भी आ जाता है। उसे देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब वो भूत बोलता है कि अभी तक रॉनी ने मुझे तुम्हें मारने के लिए नहीं बोला है, अगर तुम उसे मना लो तो शायद वो तुम्हें छोड़ दे। तभी वो आँख बंद करके ज़ोर से चीखती है। फिर वो आँख खोलती है तो वो भूत वहाँ से गायब होता है और वो तुरंत ही रॉनी के घर की तरफ निकल पड़ती है और रॉनी के घर जाकर रॉनी से माफ़ी मांगने लगती है। रॉनी हीरो वाली स्टाइल में बैठा हुआ होता है। तभी वो बोलती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया, मुझे नहीं करना चाहिए। और फिर वो अगले दिन कैंटीन में सबके सामने रॉनी को प्रपोज़ करती है। वो बोलती है कि इस बार मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया था, पर अब मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, और उसे प्रपोज़ करने के बाद उसे आई लव यू भी बोलती है। दोनों एक साथ घूमने लगते हैं और फिर दोनों साथ ही एक रूम में रहने लगते हैं। रॉनी भी उसे आई लव यू टू बोल देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी बाहर खड़ा भूत भी बोलता है, अब तो आई लव यू बोल दिया गया है, तब तो निभाना ही पड़ेगा, और वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब।